पंजशीर पर कब्जा करने के बाद अब तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है। इससे जुड़ी खबरों के बीच जी हिंदुस्तान ने 3 सितंबर को एक वीडियो ट्वीट किया। इसमें एक बच्ची मशीन गन चलाते हुए दिखती है। जी हिंदुस्तान ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि पंजशीर में एक मासूम बच्चे ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए है। ब्रॉडकास्ट के दौरान एंकर ने भी यही दावा किया। पंजशीर की मासूम और मासूमों ने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। और ये देखिए तस्वीरें, पंजशीर से ये तस्वीर आई है जहां पर एक मासूम के हाथ में हथियार है और बकायदा हथियार चलाते हुए वीडियो भी है। इन मासूमों ने हथियार उठा लिए हैं, उन्होंने कहा कि अब तालिबान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी हिंदुस्तान ने फेसबुक पर भी इस शो का वीडियो पोस्ट करते हुए यही दावा किया है। हमने जब इस वीडियो के फ्रेम्स का रिवर्स इमेज सर्च किया तो ऑल्ट न्यूज को ये वीडियो 28 जनवरी 2020 के ट्वीट में मिला। यूजर ने इस वीडियो के साथ कोई जानकारी शेयर नहीं की थी। आगे कीवर्ड सर्च के जरिए यूट्यूब पर ये वीडियो 26 जनवरी 2020 को अपलोड किया हुआ मिला। इसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत का बताया गया है। वीडियो के साथ लिखा है कि बलोच लड़की मशीन गन चला रही थी। बूम ने भी इस वीडियो के बारे में एक फैक्ट चेक आर्टिकल पब्लिश किया था। उनके मुताबिक ट्वीट पर जवाब देते हुए कुछ यूजर्स ने वीडियो में बजने वाला गाना बलूची भाषा का बताया है। यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि मशीन गन चलाने वाली बच्ची का वीडियो पुराना है। जी हिंदुस्तान ने ये वीडियो शेयर करते हुए गलत दावा किया कि अफगानिस्तान में छोटे बच्चों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। इससे पहले भी मीडिया ने पंजशीर में चल रही लड़ाई के दृश्य बताकर ऐसे विजुअल दिखाए थे जो वहां के थे ही नहीं। ऑल्ट न्यूज ने इन वीडियोस की सच्चाई भी बताई थी।